तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा रह गया था फॉरेन लूप के बारे में बताना, तो इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं उसको। और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप, फिर उसके बाद हम डू व्हाइल के बारे में जानेंगे। तो इजी है, आसान है, शुरुआत करते हैं। तो फॉर कीवर्ड लिखा, सबसे पहले हम फॉरेन लूप हम जानने लिखने जा रहे हैं। वॉइड फे मेन फंक्शन बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया ओवीजे, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज भर दी मैंने, 12, 45, 67, कुछ भी भर दिया अपने वैल्यूज, ठीक है। फॉर इन लूप के मतलब क्या है कि फॉर के अंदर इन इन कीवर्ड का यूज़ करना, तो इतना सही है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। फॉर लूप लगाया, अब इसमें वैर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी प्रॉप, ठीक है, इन ओबीजे। तो इसको रीड करके बताओ कि आपको इसमें क्या लग रहा है, मतलब कि वैर हमारा डेटा टाइप हो गया, ठीक है। इस डेटा टाइप का जो मतलब प्रॉपर्टीज टाइप में सेव कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने वैर डिक्लेयर किया यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारी क्या जाएगी, ये तीनों वैल्यूज। तो मतलब वैर प्रॉपर्टीज इन ऑब्जेक्ट, मतलब प्रॉपर्टीज इन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये तीनों है, 12, 45 और 67, ठीक है, ये लिख दिया। फिर इसके अंदर हम अपना कोड लिख देंगे, प्रिंट किसको कराएंगे, हमारा सामान सेव है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और चक दे फट्टे, 12, 45, 67 प्रिंट हो गया। तो बस यही था फॉर लूप के अंदर। अगर सपोज करो मैं इंट यहाँ लिख देता हूँ तो भी चल जाना चाहिए, देर यू गो, ठीक है। तो मतलब एक तरह से डेटा टाइप है यहाँ पर, तो वैर भी लिख दो तो कोई चक्कर नहीं है। अब वाइल लूप की तरफ चलते हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर हम अपना कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या तुम्हारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ वाइल लूप बनाया, ठीक है, वाइल की वर्ड लिखा। अब इसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी, क्या चीज़ होती है, कंडीशन चेक होती है। तो पहले कंडीशन लिखते हैं कि आई जो है वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, ठीक है। अब आई में एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने आई को इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो यहाँ पर इंट आई करके इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब स्टार्ट करना है तो इनिशियलाइज 1 से कर दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद सेमी कोला नहीं लगता वाइल के बाद, जैसे कि फॉर में नहीं लगता। फिर अब इसके अंदर हम अपने क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया आई को, ठीक है, ताकि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाए हमारा आंसर आउटपुट। मैंने सेमी कोलन लगा दिया प्रिंट आई के बाद, कोड के बाद। उसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगता है ऑपरेटर, तो आई प्लस प्लस ताकि वो बढ़ता जाए, और उसके बाद ब्रेसेस बंद मेन फंक्शन का। तो ये रन कर गया हमारा। तो सबसे पहले इंट आई है, 1 से स्टार्ट हुआ, वाइल लूप के अंदर घुसा, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 <= 10, तो ये चीज़ ट्रू हुई। तो इसको इस ब्रेसेस के अंदर घुसा, इसके अंदर क्या लिखा है, प्रिंट आई, तो क्या प्रिंट करा दिया इसने, 1, ठीक है। फिर उसके बाद आई को कर दिया इसने इंक्रीमेंट, आई हो गया 2, ठीक है। यहाँ से अब वापस गया वाइल के अंदर, 2 <= 10, तो ये भी चीज़ हो गई ट्रू, ट्रू हो गई। इसके अंदर घुसा, प्रिंट करा दिया आई, आई कितना था, 2। तो ऐसे ही फिर 10 तक चल जाएगा ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ, डू वाइल लूप की तरफ। वाइल हो गया, अब डू वाइल पे चलते हैं। डू वाइल में क्या है, सबसे पहले इसमें ये होता है कि यहाँ कोड एग्जीक्यूशन होता है सबसे फर्स्ट, ठीक है, पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगते हैं डू वाइल लूप के अंदर, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक, अब वाइल लूप में क्या था कि पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर उसके बाद कोड लिख देते थे, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था। तो अभी डू वाइल पे रहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एन नाम का, जो कि स्टार्ट होगा 10 से। हम
क्या करेंगे, कोड है हमारा 10 से लेके 0 तक प्रिंट करवाना है हमने, ठीक है, लूप चलाना है। तो डू कीवर्ड लिखा, डू के अंदर हम अब सबसे पहले क्या है, कोड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले तो हम करा देंगे प्रिंट एंड को, कोड यहाँ पर कोड लिखना है हमने अपना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर हम एन को डिक्रीमेंट करा देंगे, 10 से 9 पे जाएगा, 9 से 8 पे जाएगा, तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद ठीक है, इसके बाद इसको बंद कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर हम अपना लिखेंगे वाइल। वाइल के बगल में हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन ये होगी कि जो 10 है वो छोटा है, सॉरी वो बड़ा है किससे, 0 तक। ये लीजिए, ये आ गई हमारी कंडीशन, और आई थिंक इट शुड रन नाउ। हाँ, तो ये 10 से स्टार्ट हुआ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो एन हमने डिक्लेयर किया, डू डू लगाया कीवर्ड, इसके अंदर हमने अपना कोड लिखा, कोड एग्जीक्यूट जो करना है, ठीक है, प्रिंट एन, एन प्रिंट कराया। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये एन माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद ये इसको मैं सिंपलिसिटी के लिए यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी है अपनी वाइल, और ऐसे चल गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सपोज करो इसको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, तो इसको 1 से ले लिया, N1 रख दिया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पर एन छोटा हो गया 10 तक, इक्वल्स टू रख गया। अब ये 1 से 10 तक रन कर जाना चाहिए, ये देखो 1 to 10 का प्रोग्राम बन गया। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। अब एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, आप इवन नंबर्स के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं। हाँ, तो फॉर इवन नंबर्स, अब इसमें क्या करना है आपको कि डू के बाद आपने कंडीशन डाल देनी है, इफ अगर जो हमारा एन है, सॉरी हाँ एन है, वो डिविजिबल है। हमने कंडीशन ये वाला हम पहले कर चुके हैं, एन जो है हमारा वो डिविजिबल है 2 से, और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो फिर तुम प्रिंट कर देना एन, है ना। तो इसके बाद आई गेस दिस शुड बी राइट, हमें प्रिंट करा दिया, फिर आई प्लस एन प्लस प्लस, ठीक है, रन करके देखते हैं। तो यस, ये इवन नंबर्स हो गए हमारे, सिर्फ यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी इफ, क्योंकि कोड कोड के अंदर आता है ना कोड एग्जीक्यूशन, सबसे पहले कोड एग्जीक्यूशन, डू कीवर्ड लिखा, फिर इसके अंदर यहाँ कोड एग्जीक्यूशन चल रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक का।